वेलकम बैक इन स्मिता फूड स्टेशन। आज मैंने यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट रवा पनीर डोसा बनाया है, जो कि बहुत डिफरेंट वे से बनाया है और बहुत ही इजी तरीके से बनाया है और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। ये संडे मॉर्निंग का मेरा ब्रेकफास्ट है, जो कि 1 घंटे के प्रिपरेशन से ही बन जाता है और बहुत ही सबको टेस्टी लगता है। एक बार जरूर इसको ट्राई करें। और इसमें मैंने क्या डिफरेंट किया है, आप लास्ट तक मेरे वीडियो को देखेंगे फिर पता चलेगा। और रेसिपी देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक जरूर दें। तो आइए देखते हैं अब इसकी सी क्विक सी रेसिपी क्या है। रवा या सूजी डोसा बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इसको ओवरनाइट सोक कर दिया है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो इसको 1 घंटे के लिए दही में मिलाकर रख दें 1 घंटे तक। तो इसमें आपने जितना भी पानी डाला था, मैंने 1 कटोरी सूजी रखी थी और उसमें 1 कटोरी के बराबर मैंने यहाँ पे पानी डाला था, तो ये बिल्कुल सूजी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसको थोड़ा, इसके बैटर को थोड़ा सा मुझे पतला बनाना है, तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। तो मैंने 1 ग्लास के बराबर पानी लिया है, अब इसको मिला के देख लूंगी। इसका बैटर ऐसे मुझे रेडी करना है। अब ये बैटर रेडी है, अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। अब यहाँ पे इसकी फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया है, इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे हम। ये पनीर मैंने क्रश कर लिया अच्छे से। अब यहाँ पर 1 बड़ा प्याज मैंने यहाँ पे काटा है, वो उसमें डाल देंगे। और यहाँ पे टमाटर मैंने एक बहुत बारीक चॉप कर लिया है, थोड़े से करेंडर लीफ है, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है। इसको इन सबको पनीर में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च को स्किप कर रही हूँ, और यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च और रेड चिली पाउडर दोनों डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं गोल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून के बराबर मैं यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। आप रेड चिली पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मैं इसमें बहुत ही कम मसाले यूज कर रही हूँ, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं, और इन सबको बहुत अच्छे से मिला लें। इन सबको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। आप यहाँ पे अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स को यूज कर सकते हैं फिलिंग के लिए। तब तक सूजी का जो बैटर था वो भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब आइए डोसा बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। डोसा पैन मैंने गरम कर लिया है, अब इस पे मैं अच्छे से ऑयल डाल लूंगी, तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। अब जो मैंने सूजी का बैटर बनाया था उसको धीरे धीरे आराम से इस तरह से फैलाएंगे, और तब तक आप अपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दें। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको जितना पतला करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर सॉस लिया है, वो चारों तरफ से फैला देंगे। इसके ऊपर जो हमने फिलिंग बनाई थी पनीर की, वो अच्छे से डाल देंगे। से चीज ग्रेट करके डाल लेंगे। अब गैस को थोड़ा हाई फ्लेम पे कर देंगे और इसको थोड़ी देर से पकने देंगे, और जब तक पीछे का साइड इसका करारा नहीं हो जाता तब तक इसको पकने देंगे। तो देखिए, ये साइड से होने लग गया है। अब इसको फोल्ड कर देंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे डोसा को हम बना लेंगे। एक और बनाकर दिखाती हूँ मैं, इसी तरह से सारे इसको
बहुत इस तरह से पतला बना लेंगे। अब इसके चारों तरफ से ऑयल डाल देंगे। ये बस रेडी है, अब इसको डोसा की शेप में दे देंगे। ये भी बिल्कुल रेडी है, तो ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, एक बार जरूर ट्राई करें। देखिए ये दोनों मैंने बना लिया है। अब इसको सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉस यूज किया है, तो ये रेडी है बिल्कुल अब लिए। आप इसको हरी चटनी या फिर नारियल की चटनी के साथ भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट तक मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक जरूर दें। और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।